तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स और टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड एक ऐसे इम्पोर्टेंट एंट्री के बारे में हम बात करेंगे। और अक्सर उस टाइप की जो एंट्री होती है, जब अकाउंटेंट किसी कंपनी में एज ए इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वहाँ पर उस वाउचर से रिलेटेड उनसे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे चैनल्स के एक व्यूवर्स हैं, जब उन्होंने किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तब वहाँ पर उनसे ये क्वेश्चन किया गया था भी हमारे पास एक परचेज इनवॉइस है, उस इनवॉइस में हमें डिस्काउंट है जो लेस हुआ हुआ है और फ्रेट चार्जेज यानी कि किराया भाड़ा उस इनवॉइस में ऐड हुआ है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी और इनकम टैक्स की जो नई सेक्शन है 194Q उसके तहत उस पर हम TDS को कौन सी अमाउंट के ऊपर डिडक्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी वाउचर से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करना भी सीखेंगे, 26Q रिटर्न तैयार करना भी सीखेंगे, TDS किस प्रकार डिडक्ट होगा और उसकी प्रैक्टिकली जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो दोस्तों सारा वीडियो प्रैक्टिकली रहने वाला है, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले एक बार इस वाउचर को हम समझते हैं और बाद में इसकी सबसे पहले जनरल एंट्री को तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें ये SS ट्रेडर्स का परचेज इनवॉइस है 52 ट्रेडर्स के लिए और इसमें एक आइटम ए है, क्वांटिटी इसकी 5 है और इस प्रकार इसकी यहाँ पर हम आते हैं मेन मुद्दे पर। ये इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू बन चुकी है, ये इस पे GST है जो टैक्स लग चुका है और उसके बाद में 1% है जो इस पे डिस्काउंट मिला हुआ है और उसके बाद में 8 फ्रेट चार्जेस यानी कि इसके ऊपर किराया भाड़ा भी लग के आया हुआ है। तो इस प्रकार ये टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 252,881 रुपये की बन गई है, लेस होने के बाद, फ्रेट चार्ज ऐड होने के बाद में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट भी, इस वाउचर की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो जनरल एंट्री के लिए दोस्तों हम चलते हैं जनरल एंट्री पे। तो दोस्तों जनरल एंट्री ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस भी करेंगे। तो इनवॉइस हमारे पास ये है SS ट्रेडर्स का है। तो अभी आप देख रहे हो सबसे पहले हमें परचेज अकाउंट को डेबिट हम करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए परचेज वाउचर है। तो टैक्सेबल अमाउंट, ये GST 18% की टैक्सेबल वैल्यू है यानी कि ये हमारी परचेज वैल्यू है, जो हमारी जो स्टॉक आइटम्स है, जो इन्वेंट्री है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो हमने 211,864 रुपये 41 पैसे को यहाँ पर डेबिट कर दिया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 211,864 रुपये और 41 पैसे भी है। उसके बाद में CGST टैक्स अकाउंट को डेबिट किया है और SGST टैक्स अकाउंट को भी डेबिट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो टैक्स की अमाउंट 19,067 रुपये और 80 पैसे और 19,067 रुपये 80 पैसे CGST टैक्स और ये SG टैक्स को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए इनपुट टैक्स है। और उसके बाद में फ्रेट एक्सपेंसेस, जो ये हमारा किराया भाड़ा इस इनवॉइस पे लग के हमें आया हुआ है, हमने फ्रेट एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए अब ये खर्चा है, इसका भुगतान हमें करना है, तो हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस बन गया और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने फ्रेट चार्जेस को डेबिट कर दिया। अब जो इस वाउचर के अकॉर्डिंग जितने लेजर डेबिट होने चाहिए थे वो हमने डेबिट कर दिए। अब बात आती है भी इसमें से क्रेडिट कितने लेजर होंगे। तो जो क्रेडिट सबसे पहले किया हुआ है डिस्काउंट का, अब डिस्काउंट हमें 1% का डिस्काउंट मिला हुआ है 2,118 रुपये और 64 पैसे का। अब यहाँ पर ये देख रहे हो लेस, अब लेस का मतलब ये जो टोटल वैल्यू होती है उसमें माइनस होता है, ये अब हमारी कंपनी के लिए एक इनकम का पार्ट बन चुका है और इनकम का जो पार्ट होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और उसके बाद में 2 TDS 194Q जो पेबल रहेगा वो 212 रुपये रहेगा। अब ये कौन सी अमाउंट के ऊपर डिडक्ट करना है, ये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी, जो परचेज की यानी कि जो हमारी स्टॉक आइटम की जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसके ऊपर 0.1% के हिसाब से हमें TDS है जो डिडक्ट करना है। तो ये राउंड फिगर में 211 रुपये और 86 पैसा था, तो इसको राउंड फिगर में 212 रुपये डिडक्ट कर लिया है। 2 SS ट्रेडर्स, अब SS ट्रेडर्स का हमें जो, अब यहाँ पर अगर आप अमाउंट देखोगे तो इस इनवॉइस की जो अमाउंट है वो 252,881 रुपये है और
इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2,52,669 रुपये अमाउंट आपको शो होगी, क्योंकि आपको परचेज इन्वॉइस के ऊपर ये 212 रुपये जो टीडीएस है वो कहीं आपको नजर इसमें नहीं आएगा और नहीं परचेज इन्वॉइस के ऊपर लग के आता है। ये हमें हमारी बुक्स में एंट्री करते वक्त हमें पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इस 2,52,881 रुपये की जो वैल्यू है टोटल, इसमें से हमने 212 रुपये को माइनस कर दिया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2,52,669 रुपये ही आएगी। और ये 0.36 पैसा है ये इस अमाउंट को राउंड ऑफ करने के लिए जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वाउचर की बनेगी जर्नल एंट्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक है जो कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है भी इस वाउचर की एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे, कितने लेजर वहाँ पर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर हो जाती है भी जितने लेजर हमारे जर्नल एंट्री करते वक्त हमने जो क्रिएट किया ना, उतने लेजर हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनते हैं। अभी न तो इसमें से कोई कम होगा नहीं कोई एक ज़्यादा बनेगा। तो ये सबसे पहले हमें जनरल एंट्री अगर हमारे माइंड में सेट हो जाती है किसी भी वाउचर की, तो हमें एंट्री करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें इस बात का पता लग चुका है भी इसमें से वाउचर को देखकर कितने लेजर हमने डेबिट किए हैं, उतने लेजर हमें सॉफ्टवेयर में भी क्रिएट करने पड़ेंगे, और कितने लेजर हमने क्रेडिट किए हैं उतने लेजर हमें सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से ये समझना है भी अब इन लेजर्स में से कौन सा हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, और कौन सा हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। ये हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के माध्यम से ही पता लग पाएगा। तो हम चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे और इसकी एंट्री हम करते हैं। वाउचर पर हम जाएंगे और F9 यानी कि परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाउचर नंबर देना पड़ेगा, जो इनवॉइस का वाउचर नंबर है 1451 1451 1451। 1 जुलाई की डेट है और उसके बाद में आइटम ए, और उसके बाद में पार्टी अकाउंट का नेम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा SS ट्रेडर्स को, और स्टॉक आइटम आइटम ए। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो है 5 पीसेस और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 211,864.41। अब ये GST 18% की हमारी परचेज है, तो ये 18% का परचेज लेजर हमने क्रिएट कर रखा है। अब उसके बाद में ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेक्ट के लिए। तो अब हमें जो TDS डिटेक्ट करनी है, और हम इसको ये मान के चलते हैं जो हमारी कंडीशंस है TDS डिटेक्ट करने की, हमारी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है वो हमारी कंप्लीट है, और 30 जून 2021 तक हमने इस पार्टी से 50 लाख रुपये से ज़्यादा की जो बिलिंग हम कर चुके हैं। तो अब इसकी आगे की जो भी इनवॉइस रहेगी उसके ऊपर इसकी जो बेसिक वैल्यू रहेगी उसके ऊपर TDS अब डिटेक्ट होता रहेगा। तो अब TDS जो डिटेक्ट होना है उसकी जो स्टॉक आइटम की बेसिक वैल्यू है 211,864 इसके ऊपर ही होना है। उसके बाद हम CGST टैक्स, उसके बाद में SGST टैक्स, और उसके बाद में अब हमें डिस्काउंट का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो डिस्काउंट का जो लेजर क्रिएट होगा ना वो हमारा अब हमारी कंपनी के लिए डिस्काउंट अब ये इनकम का पार्ट है, तो हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखा हुआ है। तो जो स्ट्रेचरी डिटेल है इसकी उसको सभी को नोट एप्लीकेबल रखना है, चाहे वो GST है चाहे वो TDS है। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद में हमें 1% जो डिस्काउंट है वो लेस हुआ है, तो हम चाहें तो -1% यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो 2,118.64 रुपये है वो इस बेसिक वैल्यू के ऊपर 1% है जो माइनस हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद फ्रेट चार्जेस भी है, तो फ्रेट चार्जेस का भी लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है। जो फ्रेट चार्ज हमने लेजर क्रिएट किया उसका जो ग्रुप हमने रखा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा हुआ है, क्योंकि अब ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है यानी कि खर्चा बन चुका है। और इसके ऊपर भी जो स्ट्रेच डिटेल है यानी कि जो टैक्स कंप्लेंस है वो सारे के सारे नोट एप्लीकेबल रहेंगे। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में 5,000। तो ये तो था हमारा डिस्काउंट और फ्रेट का। अब उसके बाद हमें 194Q अंडर सेक्शन के तहत इस पर TDS भी डिटेक्ट करना है, तो हमने 194Q का जो TDS है TDS पेबल का वो हमने लेज़र पहले से क्रिएट किया हुआ है, और अब इसका जो लेज़र क्रिएट होगा वो अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो दोस्तों इस 194 TDS की प्रॉपर सही तरीके से एंट्री कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे होती है, तो इस पर स्पेशल मैंने एक पहले से वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो उस वीडियो का अगर आप देखोगे तो सारी TDS से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये 212 रुपये ऑटोमेटिक ही डिडक्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद में हम राउंड ऑफ का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, तो अब ये राउंड ऑफ हमारा 37 पैसे, तो -0.37। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसकी इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है वो अब 252,669 रुपये है जो बन चुकी है, और ये हमारी जनरल एंट्री में थी 252,669 रुपये। अब आपका जो राउंड ऑफ है वो 35 पैसा, 37 पैसा, 1-2 पैसा आपके जनरल एंट्री बनाते वक्त और आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते वक्त कुछ आगे पीछे एक आधा पैसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अब इसका हमें टैक्स कंप्लायंस देखना है, तो हम यहाँ पर इसी वाउचर पर रहते हुए हम अल्ट ए प्रेस करेंगे। अल्ट ए प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और आपके ऊपर यहाँ पर GST कितना डिडक्ट हुआ है। तो अगर आप TDS को भी देखना चाहते हो तो F5 प्रेस कर सकते हो, तो F5 के अंदर भी आपको यहाँ पर डिटेल है जो पता चल जाएगी भी जो टैक्सेबल वैल्यू है 211,864 है और 212 रुपये इसके ऊपर है जो TDS डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 194Q TDS ऑन परचेज का। तो हम इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव, और ये अब रहेगा यहाँ पर 1451 इनवॉइस का TDS। एंटरप्राइज करते वाउचर को करेंगे सेव। अब हम इसकी 26Q रिटर्न अगर हम देखें तो आप डायरेक्टली गो टू से भी जा सकते हो, गो टू पे आप जाओगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा TDS रिपोर्ट, तो आप TDS रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फॉर्म 26Q। तो 26Q देखोगे तो आपको यहाँ पर 211 की असेसेबल वैल्यू और जो टैक्स जो डिडक्टेबल है वो 212 रुपये का टैक्स है जो डिडक्ट हो गया है और यहाँ पर भी डिडक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप सबसे पहले आपको 26Q तैयार करने से पहले आपकी जो ये यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो होती है उसको देखना, ये आपका जीरो होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो ये प्रॉपरली इसका मतलब आपके जो रिटर्न है चाहे वो GST रिटर्न है चाहे वो TDS रिटर्न है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर जरूर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जीरो रखना है। अब एरर क्या है उसको आपको अब ढूंढना पड़ेगा। एरर की आपको यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी भी एरर आपकी टैली में एंट्री वक्त करते वक्त आपने कहाँ पर करी है। तो दोस्तों ये थे आज के जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनरल एंट्री बनाना, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करना, और उसके बाद में 194Q एक्ट के तहत TDS डिडक्ट करते हुए 26Q की रिटर्न को तैयार करना। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।